ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी भी वैसी ही है जैसे हर रोज़ की कहानी होती है, यानी कि संघर्षपूर्ण, प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज हम आपको वसीमा शेख की कहानी सुनाते हैं। वसीमा शेख महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और फिलहाल डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हैं, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने और भी अचीवमेंट्स पाए हैं, तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले संघर्ष भरा रास्ता जो इनका था उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो सफलता इन्होंने पाई उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इनके बचपन पे। तो इनका जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ एक बेहद गरीब परिवार से। इनके पिता मानसिक रूप से ठीक नहीं थे और इसीलिए सारी जिम्मेदारियाँ इनकी माँ और इनके भाई पर आ गई। इनकी माँ गांव में जाकर चूड़ी बेचने का काम करती थी, घर घर जाकर, और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। लेकिन उन्होंने हमेशा ये अश्योर किया कि मेरी बेटी पढ़ते रहे, यानी कि वसीमा पढ़ाई करते रहे और उसका जो इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़ते रहे। कभी ये नहीं बोला कि तुम शादी कर लो, कभी ये नहीं बोला कि तुम कमाओ, कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वसीमा पढ़ेंगी और सफल ज़रूर होंगी और अपने सपने को पूरा करेंगी। माँ ने तो इतनी सारी मेहनत कर ली, लेकिन अब हम आपको भाई की बात बताते हैं। भाई भी MPSC की तैयारी करते थे, यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन पैसे के अभाव थे, घर को भी संभालना था, बाकी चीज़ों को भी देखना था और बहन के सपने को भी पूरा करना था, इसलिए इन्होंने अपने सपने को त्याग दिया और उसके बाद वसीमा को आगे बढ़ाया, कहा कि तुम जाकर पढ़ाई करो। वसीमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से ही प्राप्त की, लेकिन 12वीं की शिक्षा उन्होंने बाहर से की। उसके बाद उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, डिप्लोमा भी किया। 2016 से इन्होंने MPSC की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 2018 में बतौर इंस्पेक्टर भी चूज़ की गई थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं करना था क्योंकि इन्हें कलेक्टर बनना था और इसीलिए इन्होंने दोबारा से अटेम्प्ट दिया। 2020 के रिजल्ट में जब रिज़ल्ट आया तो MPSC में ये गर्ल्स टॉपर भी रहीं, टॉप 3 में रहीं, और इसके अलावा इन्हें डेप्यूटी कलेक्टर का पद मिल गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी कहानी बुनी। अपना सारा श्रेय अपने भाई और अपनी माँ को देती हैं, क्योंकि माँ ने शुरुआती शिक्षा इन्हें दिलवाई और भाई ने बाकी की शिक्षा इन्हें दिलवाई। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम एक गरीब परिवार से हैं, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है। तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, और ऐसा परिवार, ऐसे लोग साथ रहें तो कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता है। लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती हैं, और हैट्स ऑफ टू हिज ब्रदर जिन्होंने अपने सपने को त्यागा फॉर हर सिस्टर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सब सुनकर काफ़ी अच्छा भी महसूस होता है। प्रेरणादायक तो इनकी कहानी थी ही, संघर्षपूर्ण भी थी, और सबसे ज़्यादा संघर्ष तो इनके भाई और इनके माँ ने की, ये मैं कहूँगी। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दिन भर आज न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें, पल पल के अपडेट्स, खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।